अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जिंदगी वही सफर ना। मैं सलमा अजमल हाजरा अजमल के साथ आप लोगों का हमारे चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी पकौड़ा, और गोभी के बहुत सारे हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है हाजिरा। तो अगर व्यूअर्स को जिस किसी को भी गोभी बहुत पसंद है, गोभी पराठा, गोभी 65, बहुत सारे हमने रेसिपीज अपलोड किए हैं, प्लीज आप वो भी चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलें तो चलें, हमारे पास एक फ्रेश वाली क्या है सलमा, गोभी, गोभी कॉलीफ्लावर। तो इसका हम क्या बनाएंगे, कचुम्बर सलमा? नहीं, आज इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बना रहे हो अभी बेहतरीन से, क्योंकि तो चले सलमा स्टार्ट करें। तो इसको सारी क्लीनिंग कर लेंगे अभी। ओके, इसी शेप में काटना है इसको। जितना आपको पकौड़ा रखना है, देखिए मैं इतना रखूंगी मिनिमम। अच्छा, मुझे लगा ये रखोगी सलमा। नहीं, उसमें मैं कट करूंगी। ओके, तो दिखा दें शेप। तो ये रहा सलमा का मीडियम वाला शेप, एकदम मीडियम वाला। तो चलें सारे इस तरह के कुछ बना के मिलते हैं। अभी हम यहाँ पर चावल का आटा ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर, नमक, अजवाइन, इसको अच्छे से क्रश करेंगे ताकि अच्छे फ्लेवर्स आ जाएं हमारे आटे में, ज़ीरा, और यहाँ पे एक चुटकी भर सोडा ऐड करेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, और ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए एक स्मूथ सा बैटर, लम फ्री बैटर बनाएंगे। और ये देखिए, सलमा को जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी, सलमा ने उस तरह का बैटर बना लिया है। अभी इसको कुछ देर तक रेस्ट पर रखेंगे। और हरा धनिया हमने फाइनली चॉप किया हुआ है, इसको भी ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया है, तो देखिए हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ रखा है, इसको बस डिप करेंगे, एक्सेस निकालेंगे और इसमें डालते जाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इसको अच्छे से फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। अगर हमारे पकौड़ों की रेसिपीज आपने पुरानी नहीं देखी है तो वो भी देख लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अच्छे से सलमा इसको क्या करेगी अभी, पकाएगी पकाएगी पकाएगी, थोड़ा आराम से टाइम देके पकाएगी। तो हाँ, मिलते हैं एक तो 2-3 मिनट बाद आराम से। ओके सलमा, हाउ इज द जोश? हाई, आई मीन हाउ इज द आवाज? हाई हाई, एकदम क्रिस्पी क्रंची। तो इसको देखिए आवाज, हाँ। तो नेक्स्ट बैच भी बना लेते हैं। हमारी सर्विंग प्लेट तैयार है बनके, और हमारे सारे पकौड़े देखें, कैसा आ रहा है सलमा साउंड? क्रिस्पी एकदम। सलमा, ये तो खूबसूरत बने ही बने हैं, लेकिन ये जो आज केचप पे गार्निशिंग बना है ना आपका धनिया, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, देखो है ना। और ये देखो गरम गरम है ना? एक मिनट आ, देखो हाँ क्रंची सा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, अंदर सॉफ्ट रहेगा ऊपर से क्रंची रहेगा। और असल में वो जो आप वो बनाते हो ब्लांचिंग करके, हाँ वो भी कर सकते हैं। यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। हाँ, क्विक क्लिक बन जाएंगे और एकदम जबरदस्त रहेंगे, क्योंकि हम आलू मिर्ची के खा रेगुलर खाते ही रहते हैं, वही तो ये एक अलग किक देगा आपको। तो थोड़ा गर्म है इसीलिए, और इसको साइज मीडियम ही रखें तो ज्यादा टेस्टी लगेगा, ना बड़ा ना छोटा। मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद कहा था, गोभी एक अलग ही किक देती है। बेचारे आपके धनिया को मैंने अंदर डिप कर दिया। कुछ इस तरह का केचप या फिर चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मिंट वाली चटनी। मिंट वाली, हाँ। थोड़ी इस पर प्याज, मिंट चटनी में मजा आ जाएगा। इसको जरूर बनाएं, सिंपल सी, जब भी आप गोभी लाएं तो एक बार बना के खाएं, आपके बच्चे घर में हर कोई इसको 100% लाइक करेगा। तो इस नोट पर हम दोनों यहाँ पे साइन आउट करते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ऑल्सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आवर इंस्टा पेज इज जिंदगी वही सफर नया। तो चले चलते हैं, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।